हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपने खेतों में, धान के खेतों में। तो कुछ धान हमें चाहिए था, तो धान की कटाई अभी शुरू नहीं हुई है। वैसे अभी दीपावली खत्म हो चुकी है, तो दीपावली खत्म होते ही धान की कटाई अब शुरू होने वाली है। तो कटाई होने से पहले देखिए, इधर हाइबा मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, हाइबा और पोकलेन था यहाँ पर, और वहाँ पर एक कुआं भी है। वहाँ पर एक कुआं है जो अभी नहीं दिख रहा है, काफी झाड़ है इस वजह से नहीं दिख रहा है कुआं। तो गोलू के साथ हम आए हैं यहाँ पे धान तोड़ने के लिए। और ये देखिए, इधर है हमारे धान के खेत। तो ये देखिए, ये है हमारा धान का खेत। क्या हम जा सकते हैं? रुकिए, अभी नहीं, इधर से चलेंगे। इधर से आइए। ये है रास्ता, देखिए छोटा सा पतला सा रास्ता है। धीरे धीरे बेटा, है ना, अच्छा से देख के चलना है। चलिए चलिए, रुक के हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे जाना है। हाँ, अभी पानी नहीं है, पानी पहले होता था। तो रुकिए ना, काटेंगे पहले। चलिए उधर देखते हैं कौन सा काटना है। वहाँ पर कुछ धान नहीं था, अभी धान आ गया। अभी धान हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, पहले अभी यहाँ पे धान नहीं था। तो यहाँ से लेते हैं हम धान। देखिए, इसे पूरा इस तरह से सुला के रखा गया है ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद इसकी कटाई हो सके। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं धान काटना हम लोग। वो देखिए, वो सारा खेत हमारा है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग कहीं से भी ले जाएंगे धान। अगर हम चप्पल रखे और यहाँ से काटे, नहीं वहाँ पे चढ़िए मत, नहीं तो उसे डांटेंगे ना लोग। देखिए ऐसे टान के, टान टान के ऐसे उठा जाता है। देखिए इस तरह से नहीं खुल रहा है, इस तरह से देखिए ऐसे टानिएगा ना। तो चाकू, चाकू लाए हैं, चाकू से भी काटेंगे। देखिए वहाँ से ट्रेन जा रही है और हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे धान। तो लाइए बोले धान तोड़ते। तब तक हम अंदर जा रहे हैं। हाँ। नहीं अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो अंदर में वो पीला पीला क्या है? धान है। और वो लटका क्या है? आप तोड़िए ना, इस तरह से धान तोड़िए। देखिए इस तरह से तोड़िए धान, इस तरह से गिर जा रहा है। इस तरफ से तो गुंडा हो जाएगा। तोड़िए, वो उसका भी काम है। इसको रखिए, अंदर रखिए, बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग काट रहे हैं धान। ये है धान हमारा। हम इधर से एक्स ले रहे हैं। हम इधर से एक्स ले रहे हैं। देखिए हम डालेंगे, रुकिए ना। अब कहाँ कैसे कैसे डाल दिए, देखिए कैसे डाल दिए। इस खराब हो गया ना ये वाला, देखिए तो इसको अच्छी तरह से डालते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं ना, रखेंगे फिर डालेंगे। हाँ, अब तोड़ के डालिए इस तरह से। चाकू किधर गया? ये है चाकू। हम तो कुछ खून नहीं है सर। तो हम ना बाहर के चक्कर लगा के, बाहर मत जाइए गोलू, अकेले नहीं बेटा, आइए। ये तो खो रही है, यहाँ तो खड़े रहिए, यहाँ खड़े रहिए, आप यहाँ खड़े खड़े रहिए। हाँ, आपको दे रहे हैं ना चाकू, दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा चाकू, ये है चाकू जिससे हम धान काट रहे हैं। और काफी थोड़ा थोड़ा कट रहा है इससे। क्या हुआ? गिर गए।
देखिए इतना सारा धान तोड़ चुके हैं और कुछ थैला में है, देखिए सबको डालते हैं यहाँ पर। देखिए बोले थे ना आपको उंगली कट जाएगा। धान के पौधे काफी तेज होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इससे उंगली वगैरह कट जाती है, इसलिए मैं चाकू लेकर आई हूँ, वरना हाथ से भी हो जाता है। कटा दिखाइए, आइए दिखाइए, देखिए गोलू का उंगली कट गया, इसलिए आप चुपचाप खड़े रहिए, समझे ना, आप खड़े रहिए, हाँ हम तोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, आप काटिए, चाकू से काटिए, हम इसे तोड़ रहे हैं। देखिए इस तरह से भी तोड़ा जाता है धान, इस तरह से। हम वहाँ पर रखे हैं धान, ये देखिए इस तरह से तोड़ा जाता है, इससे कितना अच्छा निकलता है, ये इसके डंठल जो है काफी अच्छे निकलते हैं, तो इस तरह से भी तोड़ा जाता है। तो बचपन में हम लोग इसी तरह से धान तोड़ा करते थे, जब भी धान की कटाई हमारे खेतों में हुआ करती थी। तो ये देखिए, तो बच्चों को आदत नहीं है, जैसे गोलू को आदत नहीं है अभी तोड़ने का, इसलिए वो तोड़ नहीं पा रहा है। हम तो बचपन से तोड़ते थे, इसलिए हमारा आदत है। तो इससे क्या होता है ना कि इससे थोड़ा सा देर होता है काफी, मतलब एक एक आप तोड़ेंगे देर होता है, इसलिए काफी से अगर काटा जाए तो बहुत जल्दी कट जाता है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अब से नहीं होगा, छोड़ दीजिए। चलिए हम और थोड़ा काटना पड़ेगा, बस देखिए इतना सारा धान तोड़ चुके हैं, बस हो गया। तो अब हम चलते हैं खेत के हमारे दूसरे छोर पर, इधर से बस इतना ही, बाकी छोर से थोड़ा सा ले लेंगे धान। चलिए बोलो। अपने गाँव में ठीक है, क्या हुआ, बस हो गया, लाइए हम लेकर आएंगे इसको। तो अब हम इधर से निकलते हैं और रास्ता बहुत, देखिए गोलू मस्ती करते हुए जा रहा है, ये देखिए गोलू जा रहा है धान का, उसमें पैर मत लगाइए, धान झड़ जाएगा, नहीं तो फिर काटने में मुश्किल होगा। धान को ऊपर से नहीं नीचे से जाइए, आ ये देखिए थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पर, बस ज्यादा रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली मैं यहाँ से निकल रही हूँ और थोड़ा सा उस छोर से लेते हैं धान, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं खेत से अब बाहर, ये रास्ता बहुत ही संकरा है, बहुत ही मतलब पतला सा रास्ता है ये, यहीं से गोलू आगे आगे और हम पीछे पीछे निकल रहे हैं। गोलू उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, तो अब निकलना है ना, तो हम लोग क्या गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली मैंने धान तोड़ लिया है, काफी सारा धान तोड़ लिया, ये देखिए कुछ मैं पकड़ी हुई हूँ और ये है चाकू जिससे मैंने धान तोड़ा है, मतलब धान काटा है, सॉरी। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा थोड़ा सा भी किसी वजह से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे इसी तरह से काम करने का। और आ गए हमारे दादू जी, ये देखिए गाड़ी देखिए अपना, वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ क्या लेके आ रहे हैं, हाँ क्या है, गाय का चारा, गाय का चारा है ये देखिए हमारे दादाजी लेके जा रहे हैं गाय का चारा। तो फाइनली हमारा हो गया है धान काटने का जो भी था,
तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिलहाल आज के लिए यहीं रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।